नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कनाडा में एक और सिख और उनके बेटे की रहस्यमय हत्या हो गई है। शुक्र यह है कि कनाडा की सरकार ने अभी तक ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, ना ही जस्टिन ट्रूडो ने ऐसा कोई बयान दिया है कि इसमें भारत सरकार इन्वॉल्व है। आप सोचकर देखिए कि दिन दहाड़े पिता और बेटे, पहले पिता की हत्या की गई, 41 वर्षीय पिता उनकी हत्या की गई, और उनकी हत्या के बाद जब देखा कि उनका बेटा साथ में है तो बेटे की भी हत्या कर दी गई। हम सब जान रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो ने एक स्टेटमेंट भारत के खिलाफ दे दिया था, और उस स्टेटमेंट का मुख्य कारण हम सब जान रहे हैं कि एक था, और वो मुख्य कारण था कि G20 की बैठक में जिस समय जस्टिन ट्रूडो आए थे उस समय उनका प्लेन ख़राब हो गया, और प्लेन ख़राब होने की वजह से वो एक होटल में रुके। जस्टिन ट्रूडो से हम सब जान ही रहे हैं कि कनाडा भारत को डिस्टर्ब करने का एक अच्छा अड्डा बन चुका है, और वहाँ से बहुत बड़ी बड़ी साजिशें चल रही हैं। सिख फॉर जस्टिस ने पार्टिसिपेट किया था किसान आंदोलन में, और जो मार्च निकाला था जिस समय नई संसद का उद्घाटन चल रहा था, उस नई संसद के प्रवेश के समय या उसके उद्घाटन के समय पे, या फिर मैं कहूँ कि उसके जो पूजन चल रहा था, पूजन के समय पर एक यात्रा निकाली गई थी, और उस समय भी सिख फॉर जस्टिस का पार्टिसिपेशन था। सिख फॉर जस्टिस से जुड़ा हुआ निज़र, उसकी हत्या रहस्यमय तरीके से कर दी गई थी। अब वो हत्या का इन्वेस्टिगेशन हो रहा था, खैर, लेकिन जस्टिन ट्रूडो भारत में आए और जस्टिन ट्रूडो को भारत सरकार ने उतना ही महत्व दिया जितना कि दिया जाना चाहिए G20 को। लेकिन बाकी सबके साथ, विशेष तौर से मोदी जी को आप जानते ही हैं कि मोदी जी विशेष तौर से किसी से भी संबंध बनाना अच्छा समझते हैं, यानी कि किसी से भी जो होम रिलेशन है, या फिर मैं कहूँ कि घरेलू ताल्लुकात बनाते हैं, अपना मित्र बनाते हैं और मित्र से सहयोगी बनाते हैं। लेकिन जस्टिन ट्रूडो पहले भी ये हरकत कर चुके हैं, कनाडा को कई बार सुझाने के बावजूद ये सब कुछ हो चुका है। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने जब ये बयान दे दिया था तो उसके बाद भारत सरकार तत्काल एक्शन में आ गई थी, जिसकी उम्मीद जस्टिन ट्रूडो को भी नहीं होगी। जस्टिन ट्रूडो ने विश्व के सब बड़े कंट्रियों को से बात करके देख ली भारत के इस बयान, भारत के कंडम के खिलाफ, लेकिन किसी ने भी जस्टिन ट्रूडो का साथ नहीं दिया। भारत सरकार ने जो कंडम किया, वो कंडम का स्टेटस ये बना कि भारत सरकार ने तुरंत तत्काल वीज़ा सर्विस बंद कर दी, तत्काल उनके जो यहाँ पर जो उनकी एम्बेसी थी, एम्बेसी में 40 लोगों को 41 लोगों को तत्काल वापस करने के आदेश कर दिए। जब वो वापस नहीं गए, उसके बाद भारत सरकार ने उनकी सिक्योरिटी हटा ली और उनको नॉन एम्बेसडर का दर्जा दे दिया, यानी कि नॉन सिक्योर एम्बेसडर, हम उनको एम्बेसडर का दर्जा नहीं देते। जब उनके एम्बेसडर का दर्जा हटा लिया गया तो फिर उनके सामने मजबूरी थी, क्योंकि भारत में तो लोग चप्पल चप्पल मारते हैं, थप्पड़ थप्पड़ मारते हैं, और आप जानते हो CIA तो आसानी से फेंक ही देते हैं, और इस समय राष्ट्रवाद भारत में इतना प्रबल है कि राष्ट्रवाद में अगर भारत के लोगों को पता लग जाए कि ये देश के विरुद्ध है, और देश किस कहाँ भला है, किस बात का भला है, और कौन हमारे देश का विरोध कर रहा है, तो शायद उसको रोड पर मारेंगे। आपने प्रशांत भूषण का प्रकरण इसमें देखा ही होगा कि प्रशांत भूषण ने जम्मू कश्मीर में किस प्रकार से रेफरेंडम की बात कर दी थी, और उस रेफरेंडम के बाद प्रशांत भूषण साहब के चैम्बर में जाकर उनको, उनके ऊपर मतलब क्या क्या नहीं चलाया गया, जूतों से हमले करना, यहाँ भारत में अगर आप देश का विरोध करेंगे तो ये स्वाभाविक है, CIA तो डाल देना बहुत छोटी सी बात है, थप्पड़ भी केजरीवाल के पड़ चुके हैं। कुल मिलाकर देश विरोधी काम करेंगे तो थप्पड़ भी पड़ते हैं, जूते भी पड़ते हैं, और यहाँ भारत है ये। इसलिए जब उनके 40-41 सदस्यों को यहाँ पर नॉन एम्बेसडर का दर्जा दे दिया गया, यानी कि एम्बेसडर के दर्जे वाली सिक्योरिटी हटा ली गई, तब कनाडा को पता लगा कि भारत वाकई में बोल नहीं रहा है, एक्शन में है, और एक्शन में खतरनाक है। भारत के विदेश मंत्री, जिनको हम सब जान रहे हैं, यस जयशंकर, वो बड़ी मुखरता से, प्रखरता से उन्होंने कनाडा के खिलाफ बयान दिया। कनाडा को सबक सिखाने के लिए उन्होंने सीधा सीधा कहा कि आपके ये सदस्य एक्स्ट्रा हैं। कनाडा ने उस समय कहा कि नहीं, हम भारत सरकार जो है वो एम्बेसडर्स को लेकर जो रूल्स हैं, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, उसका उल्लंघन कर रहा है। भारत ने तत्काल उनको रूल भी समझाए और उन रूलों के साथ उनको बताया
कि हमने कोई रूल का उल्लंघन नहीं किया है, जिन देशों के साथ हमारी ट्रीटी नहीं है उन देशों में कितना स्टाफ रहेगा ये वो देश तय करेगा जिस देश में वो स्टाफ गया हुआ है। यानी कि कनाडा का स्टाफ भारत में जो है वो भारत तय करेगा कि तुम्हारा कितना स्टाफ रहेगा। हालांकि उन्होंने बहुत सारी नौटंकियाँ करके देख ली लेकिन भारत सरकार नहीं मानी। परिणाम हम सब देख रहे हैं कि कनाडा ने, कनाडा की यहाँ तक कि प्रधानमंत्री ने दुनिया भर के बयान दे डाले लेकिन भारत सरकार टस से मस नहीं हुई। धीरे से वीज़ा खोला गया, जो एजेंशियल सर्विसेज हैं उन एजेंशियल सर्विसेज के वीज़े खोले गए, यात्राएं भी खोली गईं, लेकिन परिणाम वहीं का वहीं है कि हम बहुत स्कैन करके लोगों को आने जाने दे, हम बहुत स्कैन करके सब देख रहे हैं। जब हमने यहाँ से फ़्लाइटें बंद कर दी, जब हमने यहाँ से उनके तत्काल आने जाने पर बैन लगा दिया, वीज़ा सर्विस बैन लगा दिया, तो उससे कनाडा की पूरी इंडस्ट्री हिल गई। और कनाडा की इंडस्ट्री इस स्तर पर हिली कि उनकी पूरी एजुकेशन इंडस्ट्री तहमाम त्रहमाम करने लगी, क्योंकि हम ही उनको पैसे देते हैं। कनाडा का बहुत बड़ा खर्चा भारत से निकलता है, भारत उनको बहुत सारी चीज़ें सप्लाई करता है, लेकिन भारत सरकार इतना सब कुछ करने के बावजूद भारत सरकार ने टस से मस होना स्वीकार नहीं किया। मोदी जी ने तो कोई बयान ही हालांकि नहीं किया लेकिन विदेश मंत्री लगातार बोल रहे थे। उसके बाद कनाडा ये कहता दिखाई पड़ा कि नहीं, भारत के साथ हमें सामरिक संबंध बनाने हैं, यूएस ने इंटरवेंशन किया और भारत के साथ एक तरह से कनाडा को झुकना पड़ा और कनाडा को ये मानना पड़ा कि भारत भारत है और भारत को छू पाना अभी कनाडा वनाडा के बस की बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात सामने आई वो ये आई कि जस्टिन ट्रूडो एक इमेच्योर पॉलिटिशियन की तरह रिएक्ट कर रहे थे। जस्टिन ट्रूडो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझ नहीं रहे थे। जस्टिन ट्रूडो जिनको एड्रेस कर रहे थे, यानी कि यहाँ पर जो बेइज्जती हुई उसका बदला लेने के लिए उन्होंने ये निज्जर के हत्या का मामला भारत सरकार ने करवाया ऐसा, या भारत के एजेंट उसमें शामिल हैं, भारत सरकार शामिल है ऐसा उसने आह्वान कर दिया या उसने अपने पार्लियामेंट में बोल दिया, तो जस्टिन ट्रूडो को वहाँ के लोग ही, वहाँ जो हिंदू मतलब जो हिंदुस्तानी मानते हैं उनने बयान देना शुरू कर दिया, कुछ मेयर वगैरह ने, पूर्व मेयरों ने, और कहा कि अगर आपको खालिस्तान बनाना है तो कनाडा के, कनाडा के पास बहुत ज़मीन है, कनाडा अपना एक छोटा सा टुकड़ा दे दे, एक राज्य दे दे, वहाँ पर सब चालू हो सकता है, वहाँ पर खालिस्तान बना दिए, यहाँ पर खालिस्तान बनाने के बाद फिर हिंदुस्तान में खालिस्तान माना जाए। मैं कुछ समय पहले अमृतसर के प्रवास पर था और अमृतसर के प्रवास पर जब मैं घूम रहा था तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि चलिए आपको अमृतसर दिखाते हैं। अमृतसर के चारों ओर जब हम घूमे, जो सबसे पवित्र स्थान सिखों का माना जाता है, वहाँ देखने में आया कि हर दूसरे घर में एक क्रॉस लगा हुआ था, हर 100, 200, 300, 500 मीटर पर एक बड़ा सा चर्च बना हुआ था, घरों में बड़े बड़े क्रॉस लगे हुए थे, लोग पूरी दाढ़ी और पगड़ी पहने हुए थे लेकिन एक क्रॉस गले में टांगे हुए थे, महिलाएं वो चोला जो पहनती हैं ईसाइयत की ईसाई वो चोला पहने हुई थी, क्रॉस टांगे हुए थी। मैंने उनसे पूछा कि भाई ये तो यहाँ के कुछ लोग खालिस्तान मांग रहे हैं और आंदोलन दुनिया भर का चल रहा है और ये तो सब ईसाई हो गए। तो एक कूका सिख हमारे साथ थे, उन्होंने कहा ये खालिस्तान नहीं मांग रहे, ये ईसाई स्थान मांग रहे, ये ईसाई बनाकर जो कनाडा चला गया वहाँ पर वो उनको भरा जाता है, वहाँ पर उनको तैयार किया जाता है और वो जब भारत लौट कर आता है तो अगर सिख है तो फिर उसका उसमें परिवर्तन दिखाई देता है और वो परिवर्तन इस हद तक दिखाई देता है कि वो ईसाई बहुत बड़ी संख्या में हो चुका होता है और ईसाई के अलावा वो अपने परिवार को भी ईसाइयत स्वीकार करवा लेता है, क्योंकि ऐसा ना हो कि जो कट्टर ओरिजिनल सिख हैं वो उनका विरोध कर दें, इसलिए वो पगड़ी भी धारण करता है, पांच का भी धारण करता है, क्रॉस भी पहन लेता है। तो अंदर से तो वो सभी जो हैं वो ईसाई स्थान मांग रहे हैं, वो कहीं कोई खालिस्तान का यहाँ कोई मूवमेंट नहीं है। खालिस्तान के नाम से कनाडा से मूवमेंट चल रहा है, अमेरिका से मूवमेंट चल रहा है, यूरोप से मूवमेंट चल रहा है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो सब ईसाई हो चुके हैं। मैं देख कर ताज्जुब कर रहा था कि एक तरफ खालिस्तान की डिमांड चल रही है और एक तरफ सभी सिख ईसाई बनते जा रहे हैं। तो देखकर बड़ा बड़ा दुख हुआ कि किस तरह के लोग हैं, कितना बिकाऊ हो सकते हैं, किस हद तक बिक सकते हैं। ये सब कुछ विदेशी धरती पर विदेशी षड्यंत्र से चल रहा है। कनाडा का ये जो स्वभाव या कनाडा के जो इमेच्योर पॉलिटिक्स पॉलिटिशियन की तरह जस्टिन ट्रूडो बोल दिए तो वहाँ कुछ सिखों को वो एड्रेस कर रहे होंगे, लेकिन भारत सरकार तो भारत सरकार है। उसके तत्काल बाद आपको याद होगा कि ऋषि सुनक ने स्टेटमेंट दे दिया था
और उससे पहले भी स्टेटमेंट दे दिया था, और विश्व के मोस्टली कंट्रियों ने खालिस्तान का विरोध करते हुए ये कहा था कि इस तरह का आतंक उनके देश में एटलीस्ट स्थान नहीं दिया जा सकता, उनके देश में उसको कोई 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 स्थान नहीं दिया जाएगा। आप सोच कर देखिए कि कैनेडा में क्या चल रहा है। ऐसी परिस्थितियों में एक और हत्या हो जाना, एक 41 वर्षीय व्यक्ति की हत्या हो जाना जिस पर 2021 में भी हमला हुआ हो, 2021 में जब वो फैमिली घूम रही थी तो एक रेस्टोरेंट की खिड़की से उनके ऊपर हमला किया गया था। अब ये माना जा रहा है कि वो 2021 का जो हमला है वही ग्रुप फिर से हमला किए हुए है। तो 2021 में जो उप्पल फैमिली, मैं इनका नाम आपको बता देता हूँ कि ये उप्पल फैमिली है, और उप्पल फैमिली कनाडा में रहती है। हरप्रीत सिंह उप्पल 41 वर्षीय, उनके बेटे का अभी डिस्क्लोज नहीं किया, उसकी ऑटोप्सी हो चुकी है लेकिन उसको डिस्क्लोज नहीं किया। वहाँ के जो सुप्रिंटेंडेंट पुलिस हैं कॉलिन डर्सन, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है, और स्टेटमेंट देते हुए कहा है कि ये गैंग वॉर है, ये किसी गैंग का काम है। गैंग का काम में जब हरप्रीत सिंह उप्पल की हत्या हो गई तो देखा कि उनका बेटा भी साथ में है, तो गैंग के मेंबर्स ने उस समय विचार किया कि बेटे की भी हत्या करी जानी चाहिए, इसलिए उन्होंने बेटे की जानबूझकर इंटेंशनली हत्या कर दी। लेकिन उस बेटे का एक दोस्त उनकी उप्पल की कार में ही बैठा हुआ था, उसको वो देख नहीं पाए, समझ नहीं पाए, इसलिए उप्पल की कार के अंदर बैठे दोस्त के बेटे के दोस्त बच गया, बेटे के दोस्त को नहीं मार पाए क्योंकि वो उधर ध्यान नहीं दे पाए। इस विषय में जो कनाडा का मतलब वहाँ का जो कमिश्नर है वो ये कहता है, या पुलिस सुपरिटेंडेंट है वो ये कहता है कि ये गैंग है, ये आपस में सिखों का ही गैंग है जो कि एक दूसरे को मार रहे हैं। कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति हर्ष जिंदल, जिसको पुलिस ने कहा गया है कि वो गेटवे मतलब गेटवे का ड्राइवर था, उसने इनको पिछले महीने छोड़ा था, क्या किया था कुछ ऐसा कुछ प्रकरण बताया गया। लेकिन ये मामले में अभी कनाडा ने एक बार भी भारत का नाम नहीं लिया, एक बार भी भारत की सरकार को एलिगेशन नहीं लगाया, एक बार भी उन्होंने भारत की तरफ नहीं देखा। ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने निज्जर के मामले में जो स्टैंड लिया था उसका परिणाम है कि उप्पल की हत्या जो रहस्यमय तरीके से हो गई उसको वो गैंग वार का दर्जा दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गैंग। अब गैंग अगर वहाँ पर सक्रिय है तो इसकी जिम्मेदारी तो कनाडा की पुलिस की बनती है। कनाडा की पुलिस अपना पल्ला झाड़ने के लिए भारत का नाम लेती थी, कनाडा की सरकार अपना पल्ला सिक्योरिटी को लेकर झाड़ने के लिए भारत सरकार का नाम ले रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया, वो खुद ओन कर रहे हैं कि गैंग वहीं का है और वो आपस का गैंग वार है। मैं पहले भी ये बात कही गई है कि निज्जर भी गैंग वार में ही मारा गया था, निज्जर वहाँ पर सिखों का एक गैंग वार चल रहा है। कैसा गैंग वार चल रहा है? एक्चुअली क्या है कि सिखों को लेकर जो जो सिख फॉर जस्टिस जैसे संगठन चल रहे हैं वो भारत को डिस्टर्ब करें इसके लिए पाकिस्तान की ISI उनको चूज करती है, पाकिस्तान की ISI उनको ऐसा डील करती है। एक गुट के साथ डील हो तो, क्योंकि वहाँ पर कई गुट बन चुके हैं, तो किसी एक दो गुट के साथ डील हो गई पाकिस्तान सरकार की तो फिर वो दूसरे गुट को मारते हैं। अब ये चीज़ सिखों के दोनों गुटों को खेल रहा है पाकिस्तान, और उसको वो हवाला दे रहा है हिंदुस्तान का कि हिंदुस्तान डिस्टर्ब हो जाए। अब तो पाकिस्तान इस स्थिति में आ चुका है कि पाकिस्तान बहुत कुछ सपोर्ट करने की स्थिति में है नहीं। नतीजा निकल रहा है कि ये आपस में गैंग वॉर में मारे जा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से भी बहुत कुछ सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। पाकिस्तान को तो पहले ही मोदी जी ने बिल्कुल पैदल कर दिया है, और पाकिस्तान की स्थिति तो पूरे वर्ल्ड वाइड ख़राब है। यहाँ पर ये ध्यान देने की जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान खेल रहा है, पाकिस्तान सिखों को पैसे दे रहा है, पाकिस्तान वहाँ पर वो कर रहा था, अब पाकिस्तानी सपोर्ट चूँकि कम हो गया है इसलिए वो आपस में गैंग वॉर करके अपने प्रभुत्व को, कि जितना एक हड्डी डाली गई है, पहले होता था कि चार हड्डियाँ पड़ती थी, चार लोग हैं तो चार गुट हैं, चारों हड्डियाँ मिल जाती थी, अब हड्डी एक है गुट कई एक हो चुके हैं, तो एक हड्डी कई गुटों में कैसे बटे, इसलिए वो गैंग वॉर में पड़े हुए हैं। अब चूँकि पुलिस ने गैंग वॉर कहा है इसलिए हरप्रीत सिंह उप्पल को कौन सा गैंग, अभी इस बात को डिस्क्लोज नहीं किया, क्योंकि अगर गैंग वॉर है तो इसका मतलब उप्पल भी किसी गैंग का सदस्य है। अब ये कहते हैं कि 2021 में भी उस पर हमला हुआ था, 2021 में हमला हुआ था वो भी गैंग वॉर था, तो फिर ये गैंग वॉर भारत का, भारतीय मूल के लोगों के लिए गैंग वॉर वहाँ चल रहा है,
इससे पर्दा क्यों नहीं हटाते, इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं करते, ये कनाडा की सरकार के ऊपर भी प्रश्न खड़ा होता है, वहाँ की लोकल स्टेट गवर्नमेंटों के ऊपर प्रश्न खड़ा होता है। लेकिन वो तो भारत को बदनाम करने पर तुले हुए हैं, शुक्र है इस बार उन्होंने भारत का नाम नहीं लिया और भारत को किसी प्रकार से भी लपेटे में नहीं लिया, या फिर मैं कहूँ कि उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि वो भारत को लपेटे में लें। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के ये जो उनका एटीट्यूड कहना ठीक नहीं होगा, जो उन्होंने अप्रोच धारण की है कनाडा के खिलाफ, या किसी विश्व के किसी भी कंट्री के खिलाफ, कि भारत प्रथम, लेकिन हमारी तरफ आंख उठाकर मत देखिए, हमारी तरफ अगर गड़बड़ इंडिकेशन मत कर दीजिए, हम अगर सहिष्णु हैं, हम अगर आपको भारत में स्वागत कर सकते हैं, तो हम आपके घर में जाकर कुछ और भी कर सकते हैं। आप अगर बयान दोगे एक तो हम दो देंगे, आप मोहब्बत दोगे तो हम डबल करेंगे। ये भारत के स्वभाव को मोदी जी ने विश्व को बताया है। यही कारण है कि उप्पल की हत्या का मामला भी निकल कर बाहर नहीं आ पाया और उसको गैंग वॉर का हवाला देते हुए कमिश्नर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अब कनाडा की सरकार उस पर क्या बयान देगी, ये तो भविष्य बताएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।